जरा बात को गौर से सुनिएगा और समझिएगा, ताकि आप लोग अपने अकाउंट और यूट्यूब दोनों की एक ही मिसाल है, यूट्यूब चैनल हो तो भी एक ही मिसाल है, आप अपने अकाउंट और यूट्यूब बचा सकें। जब थंबनेल और टाइटल देखकर आ गए हो तो वीडियो को पूरा मुकम्मल देखना और समझना, आगे नहीं करना, ताकि आप लोगों के भी अकाउंट बच सके। जो गलती उसने की वो हमें, आपको और मुझे नहीं करनी चाहिए। किस तरह अपने अकाउंट को सिक्योर करना चाहिए। कुछ दिनों से फेसबुक पे यहाँ वहाँ वीडियो गर्दिश कर रही है, वायरल हो रही है कि अली हैदराबादी का अकाउंट बैंड हो गया, अली हैदराबादी का अकाउंट बैंड हो गया, वो भी 20 मिलियन फॉलोवर वाला। क्यों क्यों बैंड हुआ, वजह क्या थी, वही आप लोगों को इस वीडियो में पूरा मुकम्मल समझाऊंगा, ताकि जो गलती उसने की वो आप और हम ना करें। क्योंकि आप लोगों के जहन में ये सवाल होगा कि जब टिकटॉक ने इतना बड़ा 20 मिलियन वाला अकाउंट बैंड कर दिया तो आप और हम उसके सामने क्या चीज़ है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यूट्यूब हो या टिकटॉक हो, उसने अपने रूल्स को फॉलो करना होता है। उसके सामने कोई बड़ा कोई छोटा यूट्यूबर नहीं होता। अगर आप भी उसकी वायलेशन करते हैं तो आपके भी अकाउंट बैंड हो सकते हैं। इस तरह पहले भी काफ़ी बड़े बड़े टिकटॉकर के अकाउंट बैंड हुए हैं, इसी तरह यूट्यूब हो, उसने भी काफ़ी सारे यूट्यूब के जो है बड़े बड़े चैनल डिलीट किए। आखिर ये क्यों होता है, किस वजह से होता है, ताकि आप लोग भी अपने अकाउंट को बचा सके और मैं भी। इसमें आप लोगों के लिए और मेरे लिए बहुत बड़ा सबक है, एक नसीहत है। ठीक है, अब मेरी बात सुने यहां से। देखें, आपका अकाउंट कितना ही बड़ा क्यों ना हो, कितना ही छोटा क्यों ना, उसको आपने सिक्योर कैसे करना है। अभी अली हैदराबादी अकाउंट, आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है यूट्यूब है या टिकटॉक है, अगर आप लोगों को पैसे देता है, डॉलर देता है, तो आपको क्या लगता है कि वो खुद भी नहीं रखता, वो खुद भी कमाता है। 40% टिकटॉक और यूट्यूब भी रखता है। अगर आप कमा रहे हैं तो उसका 0.5% टिकटॉक और यूट्यूब को भी फायदा हो रहा होता है। तो मुझे पता है ऐसी सूरत में टिकटॉक और यूट्यूब पागल है कि वो अपना लॉस करेगा, अपना नुकसान करेगा। देखें, आप जब यूट्यूब पे या टिकटॉक पे काम करते, अब वो बहुत ज्यादा वायरल था, ठीक है, लाइव आके भी कमाता था, उसके अलावा जो व्यूज आते थे उस पर उसके डॉलर बनते थे। उसके अलावा एक और तरीका था, वो भी आपको बताऊंगा, जो कि उसने बहुत बड़ी गलती ये की, जो कि आगे चल के आप मेहनत कर रहे हैं आप ना करें, आपको पता होना चाहिए, आपके जहन में ये चीज़ होनी चाहिए कि मैंने ये गलती नहीं करनी, कि ऐसा ना हो कि उनकी तरह हमारे अकाउंट भी बैंड और डिलीट हो जाएं। तो मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि सर हम भी मेहनत कर रहे हैं, हमारे छोटे अकाउंट है, लेकिन इतना बड़ा अकाउंट जब बैंड हो गया, डिलीट हो गया, तो मुझे बताएं, ये तो हमारे साथ भी इस तरह हो सकता, तो फिर हम जो मेहनत कर रहे हैं उसका कोई फायदा तो नहीं है। फायदा है, लेकिन वो जो गलतियां उन्होंने की वो आपने नहीं करनी। वो कौन सी गलती, अब आपको मैं समझाता हूँ। जरा बात को गौर से सुनिएगा और समझिएगा, ताकि आप लोग अपने अकाउंट और यूट्यूब दोनों की एक ही मिसाल है, यूट्यूब चैनल हो तो भी एक ही मिसाल है, आप अपने अकाउंट और यूट्यूब बचा सकें। इसमें हम सबके लिए सबक है। अच्छा भाई, जब आप वायरल हो जाते हैं, जब आप फेम हासिल करते हैं, जब आपके वीडियो पे लाखों में मिलियंस में व्यूज आना शुरू हो जाते हैं, पहला हल तो होता है कि आप लोग लाइव आके कमा रहे हैं, व्यूज पे भी कमा रहे हैं, ठीक है। जो तीसरा सबसे ज्यादा कमाने वाला जो तरीका है और हल है, वो कौन सा है पता है, जिसपे आप लाखों कमाते हैं, जब आप वायरल हो जाते हैं, फेम हासिल कर लेते हैं ना, चाहे वो यूट्यूब हो या टिकटॉक हो, तो मेरे भाई आपसे कंपनियां कॉन्टेक्ट करती हैं स्पॉन्सरशिप के जरिए, कि भाई हमें अपनी जो है एडवर्टाइज करवानी है, ठीक है, हमें अपने एड चलवाने। कंपनी आपसे बाकायदा कॉन्टेक्ट करती है और बाकायदा आपसे तय करती हैं कि हम आपको इतने लाखों देंगे, हमारा जो है ना रिस्पॉन्सरशिप के जरिए अपनी जो वीडियो है, आपके जो व्यूज हैं, व्यूवर्स हैं, उनके साथ हमारा जो है वो एड चलाएं, ठीक है, या उसका रिस्पॉन्सरशिप करें, ठीक है, या उसकी पब्लिसिटी करें, एक माने में ये कह दें। तो बड़ी बड़ी कंपनी आपसे कॉन्टेक्ट करती हैं, आपको हायर करती हैं कि हमारा ये काम है, ये कर दें, हमारा ये काम है, हम आपको इतने पैसे देंगे, ठीक है। नॉर्मली तो कुछ चीज़ें नॉर्मल होती है, उसको करते हैं, कमाते हैं। अच्छा, वक्ती तौर पे जब आगे चल के जब देखते हैं या टिकटॉक या यूट्यूब पर कि भाई हमें कंपनियों के जरिए तो अच्छा खासा फायदा हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, लाखों में हो रहा है, तो फिर वो यूट्यूब हो या टिकटॉक हो, उसके रूल्स भूल जाते हैं, उनकी क्या क्या रूल्स हैं, हम उसकी वायलेशन करने जा रहे हैं, ये सब चीज़ें उनके इतना पैसा उनके सामने आ जाता है कि ये चीज़ें उनके दिमाग से वक्ती तौर पर थोड़ा निकल जाती हैं, ठीक है, बस उनको पैसा दिख रहा होता है, चलो भाई करो। तो उसमें अब इससे पहले भी एक यूट्यूबर था जिसका जो है बहुत बड़ा अकाउंट था, स्ट्राइक पड़ी थी, डिलीट नहीं हुआ था लेकिन स्ट्राइक पड़ी थी। स्ट्राइक पहले पड़े तो एक हफ्ता आप लोग यूट्यूब पे वीडियो अपलोड नहीं कर सकते। अगर आपको ये जानना हो कि उनके क्या रूल्स हैं, कौन सी उनकी वायलेशन ना करनी चाहिए, तो आप गूगल पे जाके सर्च करें, आप अकाउंट बनाते हैं टिकटॉक हो या यूट्यूब हो, तो बाकायदा पहले आपके सामने लिस्ट आती है कि भाई इन चीज़ों को आपने फॉलो करना है, ठीक है। अब इसने क्या गलती की जिसकी वजह से इसका अकाउंट बैंड हो गया और आपने वो नहीं करनी। देखें, पहली बात आपको मैं बता दूं, आप काम कर रहे हैं यूट्यूब पे या टिकटॉक पे, कहीं आपको आप ऐसा काम करने वाले हैं, कोई ऐसी वीडियो अपलोड करने वाले हैं या कोई ऐसा टाइटल बोलने वाले हैं जिसमें आपको डाउट हो कि अगर मैं ऐसा बोलूंगा या ऐसा समझाऊंगा कहीं ये वायलेशन में तो नहीं आएगा,
कहीं इस पर स्ट्राइक या कोई मसला तो नहीं बनेगा, तो उसकी आप तहकीकात करें। अच्छा तरीका, बेहतर यह कि उसकी तहकीकात करें। अब इन्होंने क्या किया, जिनके साथ ये मसला हुआ उनके इन्होंने क्या किया भाई, एक गेम होता है जुआ गेम जिसे कहते हैं, आपने देखा होगा गेम तो वैसे होते हैं, जुआ गेम होते हैं, तो उसकी इसने प्रमोशन की उसका। तो ये चीजें बहुत ज्यादा अलाउ नहीं है टिकटॉक पर और यूट्यूब पर, वायलेशन में आता है, और ऐसी सख्त वायलेशन में आता है कि आपके अकाउंट बैंड हो जाते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि फौरन बैंड हो, पहले आपको वार्निंग दी जाती है, हो सकता है उस वार्निंग को आपने इग्नोर कर दिया हो या देखा ही ना हो, वार्निंग दी जाती है कि आप ये काम कर रहे हैं, इससे आगे आप ये काम ना करें, ये वायलेशन में आता है। नहीं तो मुझे बताएं, इतना बड़ा अकाउंट, जाहिर सी बात, अगर फॉर एग्जाम्पल 40% टिकटॉक हो या यूट्यूब हो, 40% वो रखता है, बाकी आपको देता है, समझ आ रही मेरी बात, तो मुझे बताएं वहां पे वो अपना नुकसान क्यों करेंगे। तो इस तरह उन्होंने, एक और यूट्यूबर था उसने भी ये किया था कि जुआ गेम की जो है प्रमोशन की थी, उसके रिस्पॉन्सरशिप मतलब कंपनियां मुख्तलिफ आप लोगों से रब्ता करती हैं कि भाई हमें ये चीज़ करवानी है, हमें ये इसका वो कर दें, एड चला दें इसका, हम आपको इतने देंगे। तो उसको देखें, आप और मैं तो अभी छोटे हैं, इतने बड़े नहीं हैं, लेकिन एक दिन आएगा आप लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों से कंपनियां कॉन्टेक्ट करेंगी इस मामले में, जिसमें आपको खुद तय करना होगा कितने आप लेंगे। तो ये लोग लाखों में चार्ज करते थे, तो मेरे भाई इस चीज़ से आपने बचना है, ये चीज़ें होती हैं, इससे अलावा और भी कुछ चीज़ें होती हैं जिसका आपने ख्याल करना है। अगर आप टिकटॉक और यूट्यूब को फॉलो करते हुए चलेंगे, उनके रूल्स को फॉलो करेंगे, तो कुछ नहीं होगा, कोई मसला आप लोगों के लिए नहीं बनेगा। ये प्लेटफॉर्म किसी का दुश्मन नहीं है, किसी का सगा नहीं है मेरे भाई, इसमें कोई वो नहीं, छोटा हो बड़ा हो, बस अगर आपने रूल को फॉलो नहीं किया, वायलेशन की, तो आपको भी बैन किया जा सकता है। समझ आएगी मेरी बात। तो ये वजह थी, ये रीज़न थी, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा सबक है, हम छोटे यूट्यूबर और टिकटॉकर के लिए, ताकि हम जो मेहनत कर रहे हैं ना, आगे चल के उसका ये मसला ना बने, इसके जिम्मेदार ये लोग खुद हैं। इतने बड़े यूट्यूबर और टिकटॉकर थे, एक अरसे 4-5 साल से काम कर रहे थे, उनको पता नहीं था कि ये चीज़ अगर हम करेंगे तो हमारे लिए मसला बन जाएगा, लेकिन नहीं, इनको वक्ती तौर पर लाखों रुपये नजर आ रहे थे, वो इन्होंने देख लिए, क्या हुआ, ये इनका एक हल था, एक जरिया था कमाने का। तो भाई जितना मिल रहा था उसमें शुक्र अदा करना चाहिए था अल्लाह का, अल्लाह की जात का, इन्होंने बस ज्यादा की लालच की, तो रिजल्ट आप लोगों के सामने, नतीजा आप लोगों के सामने। उम्मीद करता हूं मेरी बात आप लोगों को समझ आ गई, वीडियो अच्छी लगी होगी, समझाने का तरीका अच्छा लगा, तो कमेंट्स में बताइएगा क्या ये मैंने आप लोगों के लिए वीडियो सबक के तौर पर सही बनाई है। कमेंट्स में अपनी राय दीजिएगा, और लाइक और कमेंट्स कर दीजिएगा। नए आए मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।